हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए खीरा का जूस, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को आकर एक बार घर में जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं लाई हूँ आपके लिए खीरे के जूस, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगा सबको और बहुत ही अच्छा होता है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन जितना जानती हूँ मैं आपको कोशिश करूँगी कि अब मैं आपको उतना आपको मैं बताऊँ जितना मैं जानती हूँ। तो खीरा के बहुत सारे फायदे हैं। खीरा हमारे पेट में पेट को भी ठंडा रखता है और पानी की कमी को भी दूर करता है, और शुगर बीपी जो हाई रहता है उसमें भी बहुत ही फायदेमंद है। वेट लॉस करने में भी बहुत इसका मतलब कि ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत काम की चीज़ है। और ये नींबू, पुदीना पत्ता तो जानते ही हैं आप, इसको पीने से चाहे इसका चटनी खाने ये बहुत ठंडा होता है, पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है। इससे इसका यूज़ आप तो हमेशा करें तो और भी अच्छा रहेगा पुदीने पत्ते की। और यहाँ पर मैंने नींबू लिया है, अदरक लिए हैं, आप तो जानते ही हैं विटामिन सी की सी रहता है नींबू में, जो सर्दी जुकाम में आपको बहुत ही फायदेमंद है ये नींबू। और यहाँ पर मैंने काला नमक और नींबू का रस निकाल के जो रखा है वो है। तो चलिए आप इसको मिक्सर में, या जो आपके पास जूसर हो तो जूसर में भी बना सकते हैं, मिक्सर हो तो मिक्सर में भी बना सकते हैं। मेरे पास मिक्सर है तो मैं मिक्सर में ही बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं पहले खीरा को ये जो खीरा है इसका छिलका नहीं निकालना है, नहीं तो इसका सारा तो जो जो होता है छिलके के साथ ही निकल जाएगा। इसके लिए इसको छिलके के साथ ही कटिंग छोटे छोटे पीस करके इसमें डालने हैं। तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। मैंने दो खीरों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, अब मैं इसको मिक्सर जार में डाल दूंगी। अब मैं इसमें पुदीना पत्ते डाल दूंगी अदरक के जो टुकड़े थे मैं वो डाल दूंगी। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करके उसके बाद मैं इसको चाय छकनी से इसका रस निकाल लूंगी। मैंने जूस को छान के तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसमें जो मैंने नींबू का रस निकाला था मैं वो डाल दूंगी। मैंने एक ही नींबू का रस निकाला था, मैंने वो डाल दिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच काला नमक डाल दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको गिलास में सर्व कर लूंगी। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे और भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसमें मैं चाट मसाला ऊपर से डाल दूंगी, ये पीने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, खीरा का जूस हो गया है तैयार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें।